नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर कंप्यूटर टेक्निकल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने डेस्कटॉप की जो सर्विस है, जो कंप्यूटर होता है हमारा, उसकी हमें सर्विस बड़े आसान तरीके से कैसे करनी है। दोस्तों, जैसे कि अभी जून का महीना चल रहा है और इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट होने लगते हैं इस मौसम के अंदर। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि मैं आपके कंप्यूटर की सर्विस किस तरीके से करने वाला हूँ और आपको भी दिखाऊंगा कि बड़ी आसानी से आप भी अपने कंप्यूटर की सर्विस अपने घर के अंदर कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए और देखिए वीडियो में कि डेस्कटॉप की सर्विस हम कैसे करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप की सर्विस जो है अपने आप कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जिस तरीके से आप दिखाई दे रहा है ये मेरा कंप्यूटर है और मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से कंडीशन। देखिए फ़ैन में इसका कितना सारा डस्ट इसके फ़ैन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ दोस्तों, खोल करके देखते हैं कि अंदर से क्या कंडीशन है इसकी। तो इसको हम खोल करके, तो हमने खोलने के लिए इसको देखिए पलट लिया है। तो हम इसको ढक्कन देखिए, यहाँ पे ढक्कन खोल लेते हैं इसका, खोलने का ये हमने खोल लिया। देखिए खोलने के बाद जो देख रहे हैं हम, देखिए इस तरीके से जो है पूरा आप देख सकते हैं फ़ैन के अंदर जो है पूरा डस्ट भरा हुआ है। ये देखिए ये फ़ैन के अंदर डस्ट है पूरा और ये देखिए पूरा जो है इसमें काफ़ी सारा डस्ट इसमें भरा हुआ है। तो इसको डस्ट को हमें क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद जो है मैं इसको किस तरीके से कूलिंग पेस्ट वगैरह लगाने वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फ़ैन निकाल लेंगे बाहर। तो फ़ैन निकालने के लिए देखिए ये चार इसके पॉइंट दे रखे हैं, चारों पॉइंटों को आपको जो है क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है दोस्तों, जिसने इसमें सिंबल दे रखा है आप देखेंगे जैसे कि इसमें एक एरो दिया हुआ है, इसके अंदर एक एरो दिया हुआ है इनके अंदर, जिस जो दिखा रहा है कि आपको इसको किस तरफ घुमाना है। तो इसको हमेशा इस साइड की घुमाना है। तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे, देखिए हम इसको घुमा लेंगे, इसको घुमा करके थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर उठा लीजिएगा। तो इसको घुमाने के बाद हमने थोड़ा ऊपर उठा लिया और फ़ैन को पकड़ के आराम से इसको ऊपर उठा लेना है। देखिए हमने फ़ैन को पकड़ के ऊपर उठा लिया है और इसके फ़ैन की वायर को भी हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं देखिए कितना डस्ट है इसके अंदर, ये देखिए कितना डस्ट है इसमें। और ये देखिए CPU के आसपास जो है कितना डस्ट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस तरीके से पूरा डस्ट है ये। तो अब हमें इसको क्लीन करना है। तो क्लीन कैसे करना है, क्लीन करने के लिए हमें एक पहले नॉर्मली हमें इसको ब्रश ले लेना है। देखिए इस तरीके का आपको एक ब्रश ले लेना है और ब्रश ले करके आपको इसको यहाँ से इस तरीके से क्लीन करना है। यहाँ पे हमें ये फ़ैन है, यहाँ पे हमें इसको फ़ैन को भी क्लीन कर लेना है। वैसे हमारा ये फ़ैन चलता नहीं है, निकाल रखे केवल इसके, ये फिर भी क्लीन कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने ये पूरा क्लीन कर लिया है और ऐसे क्लीन करने के बाद जब ये हमारा क्लीन हो जाएगा, देखिए चारों तरफ से हमने डस्ट हटा दिया। डस्ट हटाने के बाद जो है हमें इसको थोड़ा ब्लोअर से भी क्लीन कर लेना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको ब्लोअर से क्लीन करने का, किस तरीके से आपको ब्लोअर से क्लीन करना है। ये मेरा डेस्कटॉप रखा हुआ है दोस्तों, डेस्कटॉप के साथ जो देखिए ये मैंने यहाँ मेरा पास ब्लोअर है, मैंने मदरबोर्ड को ब्रशिंग कर दी थी, साफ़ कर दिया था। अब मैं इसको ब्लोअर से जो है पूरा क्लीन कर दूँगा। इसको देखिए इस तरीके से हमें ब्लोअर से इसको क्लीन करना है। ये हमने वायर लगा दिया इसके अंदर, वायर लगाने का देखिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ब्लोअर से इसको क्लीन कर दिया। आप देख सकते हैं अंदर बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये देखिए तो अंदर से जो है ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, जितना डस्ट था वो सारा निकल चुका है बाहर। तो अब हम इसका एक बार फ़ैन भी साफ़ कर लेते हैं, जो हमने फ़ैन, तो हम एक बार इसका जो फ़ैन हमने, ये जो हमारे पास फ़ैन है जो हमने निकाला, देखिए इसमें भी बहुत सारा डस्ट है, तो हम इसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो इसको भी क्लीन करने के लिए हमें ब्रश चाहिए। तो दोस्तों हमने फ़ैन भी क्लीन कर लिया है और CPU भी क्लीन कर लिया है। अब इसमें इस पर जो है अपना CPU के ऊपर ये थर्मल पेस्ट लगाना है।
तो हमें ये थर्मल पेस्ट जो है यहाँ पे इसके ऊपर लगा देना है, तो हम इसको थर्मल पेस्ट लगा देते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से देखिए हमने थर्मल पेस्ट पे लगा के अप्लाई कर दिया पूरे सीपीयू के ऊपर। हमने यहाँ पे सीपीयू पे थर्मल पेस्ट अप्लाई कर दिया। अब हमें जो है इसका फ़ैन लगा देना है, यदि हमारा फ़ैन जो है हमें इसको वापस लगा देना है। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों, जैसे कि हमने ये चारों पॉइंट इसके, ये चारों पॉइंट हमने जो खोले थे क्लॉक वाइज करके इसको, तो अब क्या करना है हमें इसको पहले ना, सबसे पहले इसको घुमा लेना है वापस, इसको इसकी अपोजिट पोजिशन पर ले आना है, ये चारों तरफ से इसको इसको घुमा लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको घुमाने का रीज़न ये है कि जब हम ये लगाएंगे ना तो ये नीचे नहीं खिसकेगा, ये अंदर पूरा जो इसका क्लेम्प है, ये जो इसके होल हैं, होल में बैठने के बाद ये आराम से इसको सेट हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर बिठा लेंगे। तो बिठाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले इसकी पोजीशन पर रखना है इसको। तो पोजीशन में रखने, हम इसका एक वायर बीच में आएगा, इसको हटा लेते हैं पहले, वायर बाद में कनेक्ट कर लेंगे। तो इसको हमें इस तरीके से इसके छेदों के ऊपर, जो भी छेद है, छेदों से जो है इसके जो नोब हैं, ये जो नोब हैं इसकी, नोब छेद पे छेद रख के नोब मिला लेनी है। और हमें आराम से इसको देखिए इस तरीके से दबाते चले जाना है बस। ये बड़ी सिंपल तरीके से, देखिए मैंने बड़ी सिंपल तरीके से दबा करके ये लगा दिया है। ठीक है, आप ये देखिए लगा दिया। और जो रही ये वाली वायर है, अब हम इसकी वायर को इसको कनेक्ट कर देना है इसके कनेक्टर पर, जहाँ पर फ़ैन का कनेक्टर लगा हुआ था, यहाँ पर देखिए ये भी हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हमने ये देखिए कनेक्ट कर दिया है, इसको थोड़ा सा घुमा लेना है और इसको सेट कर देना है। दो ये सेट हो गया। अब ये हमारी जो वायर है सीपीयू वाली जो हमने अभी निकाली थी, ये भी इसको वापस इसके साथ ही हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से देखो आप अपने जो किसी भी डेस्कटॉप की सर्विस कर सकते हैं। ये हमने सर्विस बड़ी आराम से, देखिए आपके सामने बिल्कुल जरा ही देर में पूरी डेस्कटॉप हमने सर्विस कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने घर पे जो है आराम से अपना डेस्कटॉप सर्विस कर सकते हैं। और मैं इसको अभी ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने पावर प्लग कर दिया और ऑन कर दिया, देखिए ये ऑन भी हो गया और चल भी रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसका डिस्प्ले चेक कर देता हूँ। देखिए ये चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए डिस्प्ले भी आ गया और ये फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो इस तरीके से आप सर्विस कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उसको उनको भी जो है सर्विस करने की इंफॉर्मेशन मिले और वो भी आसानी से अपने जो घर पे है अपने डेस्कटॉप को सर्विस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।